जमायमा ने बच्चों को नमाज और इस्लाम के बारे में क्या बता दिया। साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनके बच्चों से मुतालिक दिलचस्प मालूमात तो बहुत हैं, लेकिन उनके मज़हब से मुतालिक जमायमा ने खुलकर बात की है। जमायमा खान इमरान खान की साबका अहलिया हैं, लेकिन साथ ही जमायमा अब एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रही हैं। अगरचे उन्होंने दूसरी शादी तो नहीं की, लेकिन अपने बच्चों के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजर बसर कर रही हैं। जमायमा सोशल मीडिया पर अक्सर पाकिस्तानियों के मोहब्बत और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में ट्वीट करती भी दिखाई देती हैं, जो इस बात का सबूत है कि जमायमा आज भी पाकिस्तानियों को इसी प्यार और मोहब्बत की निगाह से देखती हैं जो वो इमरान से शादी के वक्त देखा करती थी। दिलचस्प बात यह भी है कि जब वो पाकिस्तान में थी तो इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे। जब लेडी डायना पाकिस्तान आई तो उनकी बातचीत जमायमा से काफी हुई थी, जिससे पाकिस्तान का एक अच्छा मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखा। ताम जमायमा को अफसोस इस बात का भी होता है कि पाकिस्तानी सियासतदान इन्हें आज तक अपनी गंदी सियासत का हिस्सा बनाए रखे हुए हैं। अपने बच्चों से मुतालिक जमायमा ने वाजे कहा कि दोनों बेटे सलमान और कासिम अमली तौर पर मुसलमान हैं। एक तकरीब से खिताब करते हुए जमायमा ने बताया कि मैं अपने दोनों बच्चों को इस्लाम की तालीम दे रही हूँ और अमली मुसलमान बना रही हूँ। जमायमा ने मजीद बताया कि मेरे बेटे परेशान हो गए थे जब हमारे कजन डिस्को जाया करते थे, इसी तरह वो बेटे उस वक्त भी परेशान हुए जब बेटों के कजन जो तबलीगी जमात का थे और जमात इस्लामी से मुंसलिक थे, उन्हें देखकर भी बेटे कश्मकश में उबतरा होते थे कि हम किस तरफ जाएं। मेरे बेटे बरतानवी मुसलमान हैं और इन इस्लाम की जानिब जाने से रोकने में जमायमा रोकती नहीं है। दूसरी जानिब इमरान के दोनों बेटों की एक तस्वीर भी काफी वायरल हुई थी, जिसमें सलमान और कासिम कीनिया के एक मस्जिद में नमाज जुमा के मौके पर मौजूद थे। सर पर टोपी और कीनिया का सकाफती लिबास जेब तन किए दोनों बेटों ने नमाज अदा की। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।